दर्शकों, दो दिन के कोरोना के इस लॉकडाउन के देखते हुए जिस तरह से नागपुर जिला ग्रामीण, नागपुर जिला शहर में माननीय कलेक्टर साहब के आदेश के अनुसार लॉकडाउन की घोषणा की है, वहां पर हम लोग आज कामटी में विदर्भ टीवी के माध्यम से कामटी शहर का जायजा ले रहे हैं। हम लोग सभी खड़े हुए हैं कामटी शहर के मेन मार्केट में। दर्शकों, देख सकते हैं कि फिलहाल अभी कामटी शहर का पूरी तरह से मार्केट पूरी तरह से बंद किया गया है। कामटी शहर में अत्यावश्यक चीज़ों को छोड़कर सारे दुकानों को यहाँ पर बंद किया गया है। गोयल टाकिज के मेन मार्केट चौक पर हम लोग खड़े हुए हैं। अभी फिलहाल यहाँ का नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ का पूरा नज़ारा जो है वो भी फिलहाल अभी बंद है। लेकिन जिस तरह से सरकार ने आह्वान किया था कि कोरोना की संकली को जिस तरह से हम तोड़ना चाहते हैं, कोरोना की संकली कहीं तरी निष्कही, तो उसके लिए दो दिन का शनिवार और रविवार को लॉकडाउन की यहाँ पर घोषणा की गई थी। फिलहाल अभी यहाँ पर 3:30 का समय हो चुका है और इस समय कामटी के मेन बाजार में मैं यहाँ खड़ा हूँ। जिस तरह से देख सकते हैं कि जिस तरह से कोरोना का ये जो फिर से दूसरा जो यहाँ पर दूसरा लाट बोलते हैं उसे फिर से एक बार महाराष्ट्र में दस्तक दी है। और महाराष्ट्र में जिस तरह से नागपुर जिला ग्रामीण हो या फिर अलग अलग जिले हो, जैसे वर्धा जिला हो, यवतमाल जिला हो या फिर अलग जिले में पूरी तरह से यहाँ पर संचार बंद थी, लॉकडाउन लगा गया, वहीं नागपुर जिला ग्रामीण और शहर में दो दिन का लॉकडाउन है। और इस लॉकडाउन के चलते हुए नागरिकों को यहाँ पर सरकार ने आह्वान किया है कि अपने घर में रहिए। लेकिन घर में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर देखिए जल्द को मैं वहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग वहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन नज़र आने के बावजूद भी घर में जाने की, जहाँ पर घर में रहिए, सुरक्षित रहिए का आह्वान सरकार ने किया है। लेकिन आह्वान को कई तरह से मेरे इस लॉकडाउन को कई तरह मुझे लगता है कि कई तरह नागरिक इस लॉकडाउन से बेखौफ है, लॉकडाउन का या कोरोना का उनका भय नहीं, इसलिए वो फिलहाल यहाँ पर मार्केट में बेखौफ घूम रहे हैं। मेरे साथ में यहाँ पर यहाँ के नगर सेवक और शहर अध्यक्ष संजय कोनर जी है, साथ में यहाँ पर शिवसेना के हमारे वसंता भाव है, साथ में हमारे विरोधी पक्ष नेता लाल सिंह जी है। सबसे पहले मैं यहाँ नगर सेवक और शहर अध्यक्ष संजय कोनर जी से बात करता हूँ। भैया, लॉकडाउन दो दिन का यहाँ पर जनता कर्फ्यू घोषित किया था सरकार ने, हमने देखा कामटी के मेन चौक पर जैसा हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, और चौक पर जिस तरह से देखा गया तो लॉकडाउन का सरकार ने आह्वान किया था घर में रही, लेकिन हमने तो नजारा देखा कि बहुत सारे लोग बेखौफ घूम रहे हैं। तो लॉकडाउन का क्या मतलब उठता है, लॉकडाउन किसे कहते हैं? सरकार ने जो लॉकडाउन लगाया गया था उस लॉकडाउन को जिस प्रकार से लोग गांव में घूम रहे हैं उस प्रकार से लगता नहीं कि लॉकडाउन लगा हुआ है। और अति आवश्यक चीज तो खुला रखा गया था सरकार ने। सरकार में सब्जी, किराना दुकान, दूध, ऐसे चीज़ों को, अति आवश्यक चीज़ों को खुला रखा गया था। लेकिन यहाँ पे देखो तो कल दारू की दुकान, वाइन शॉप, ये सब चालू थी। ये क्या अतिवाशक चीज़ों में आती है? तो सरकार का हम निषेध करते हैं कि अगर से ऐसे ही अगर सरकार दारू और दारू की दुकान खुले रखेंगे तो आपके बाकी जो दुकानदार है बेचारे, बेरोजगार है, छोटे मोटे जो दुकान अलग अलग लगा कर जैसे जैसे तैसे अपना पालन बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, ऐसे स्थिति के अंदर में उनको आज 8 से 9 महीने पहले गंभीर महामारी से जूझना पड़ा था। पूरे दुकान पर हर चीज़ बंद था, खाने के लाले पड़े हुए थे। ऐसी स्थिति में दारू की दुकान चालू रहेंगी तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनके क्या सोचेंगे उनकी? तो मैं सरकार का निषेध करता हूँ। भैया, जिस तरह से नगर परिषद के कामटी नगर परिषद की बात की जाए तो अत्यावश्यक चीज़ों में जिस तरह से जिला अधिकारी या फिर माननीय पालक मंत्री साहब के निर्देश के अनुसार अत्यावश्यक चीज़ें जिस तरह से मेडिकल हो, सब्जी भाजी हो, दूध की दुकान हो, किराना की दुकान, तो आप दारू की दुकान अत्यावश्यक चीज़ों में कहाँ आता है? तो अत्यावश्यक चीज़ों में दारू की दुकान बंद रखना था सरकार ने, क्या कहेगी? दारू की दुकान हम तो उसका निषेध ही कर रहे हैं कि दारू की दुकान सरकार ने कैसे चालू रखी? अत्यावश्यक चीज़ों में दारू की दुकान आती ही नहीं है। ये तो और भी ऐसे दुकान, दारू की दुकान के अलावा ऐसे कोई छोटे मोटे दुकानदार है बेचारे जो टपरी पे लेके बैठते हैं, जो अपना गंदा पानी करते हैं, अपने बच्चों को गुजर बसर करते हैं, तो उनको छोड़कर दारू की दुकान भले और पर से जो उनके पास पैसा है पैसा खर्चा करना जाएंगे, उनके जो बच्चे दीदी भले उनको त्रस्त रहेंगी कि मेरे घर मेरे जो पास 200-300 रुपये जो कमाया हुआ पैसा है मेरे जेब से निकल गया, मेरे आदमी मेरे घर से लेके गया, मेरे बच्चे भूखे। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने जो दारूबंदी को बैन नहीं लगा लॉकडाउन के समय पर, हम इसका निषेध कामटी शहर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते मैं इनका निषेध करता हूँ। भैया, जिस तरह से दो दिन का लॉकडाउन घोषित किया गया है और जनता को कहा है कि घर में ही रहिए क्योंकि कोरोना के कई तरी संकली को कई तरी आप तोड़ पाएंगे, लेकिन हमने तो देखा कि कामटी में जरा से नज़ारा लिखा कि लोग बाहर निकल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कहीं पूछा तो कह रहे कि हम लोग यहाँ जा रहे, लेकिन तो पूरी तरह से तो सरकार ने घर में रहने किया, तो इस बारे में क्या कहेंगे, क्या जनता को आह्वान करेंगे? जनता का ही फर्ज बनता है, जनता का मतलब जनता का भी फर्ज बनता है कि लॉकडाउन बती जो लगाया गया है
जनता ने भी संकल्प तोड़ने के लिए अपने घर पे रहना चाहिए। ये बच्चे लोगों के माँ बाप ने अगर से पीछे घुमाओ, कैमरा घुमाओ पीछे, बच्चे लोग बिगर मास्क के घूम रहे हैं। ये बच्चे लोग पूरे मास्क के घूम रहे हैं, इनको कोरोना महामारी से बिल्कुल निर्भय है, इनको जानी भी नहीं है कि मतलब कोरोना महामारी में इंटरव्यू है। तो इससे इसको देखने के लिए नगर परिषद जो फाइन हो, पुलिस का जो फाइन होना चाहिए। ऐसे स्थिति के अंदर में ऐसे कई लोग जो आज भी बिगर मास्क लगाए घूम रहे हैं। भाई भैया एक अलग सवाल पूछूंगा, अलग कोरोना के छोड़ के सवाल पूछूंगा, जिस तरह से संजय राठौर की बात की जाए तो संजय राठौर की इस्तीफा के लिए भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है। जिस तरह से उनकी इस्तीफा होना चाहिए और इस्तीफा के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दबाव बना चाहिए, आपकी राय क्या है? भारतीय जनता पार्टी वैसे ही महिलाओं का सम्मान करती है और पूजा चौहान के जो आत्महत्या का रूप में दिया गया वो आत्महत्या नहीं है। ये इनके संजय राठौर जो वहाँ के पालक मंत्री और शिवसेना के कद्दावर नेता है, उस नेता के ऊपर में बार बार आरोप लग रहा है, उसकी जो क्लिप बताई जा रही है इसमें संशय है कि संजय राठौर ये ही मतलब उसका हत्यारा हो सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये महिलाओं का सम्मान करने वाली पार्टी है, हम इनका इस्तीफा लेके रहेंगे और जो अगर इस्तीफा नहीं दिया तो हम आंदोलन के माध्यम से हर जगह पर हर स्तर के अंदर में हमारी महिलाएं, हमारी पार्टी की महिलाएं उसका आंदोलन करेंगी। और उन्होंने जो जरा से भी शर्म है तो उन्होंने संजय राठौर जी ने इस्तीफा देना चाहिए, उद्धव जी ने, सरकार ने उनका इस्तीफा लेकर अगर नहीं देते तो इस्तीफा लेकर उनका मंजूर करना चाहिए और उसकी अपनी जगह दिखाना चाहिए। अगर से सरकार में अगर से रहते हैं, वो सरकार में अगर से रहते हैं तो उसको फिलिप को बाकी चीज़ों को वो छेड़छाड़ कर सकते हैं। लाल सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। इस तरह से कोरोना की बात की जाए तो कोरोना का भय नजर नहीं आ रहा कानपुर में। हमने लॉकडाउन का लॉकडाउन घोषित किया है, दो दिन का लॉकडाउन है, अत्यावश्यक चीजें चालू है, शराब चालू है, क्या कहेंगे? देखो कामठी की जनता जो है पूरे तरीके से सहयोग कर रही है और सभी अपने अपने घर में और अत्यावश्यक चीज़ें जो है उसके लिए बाज़ार में निकलना ही पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो लोगों की तकलीफें हैं बहुत ज़्यादा तकलीफें हैं। लोग रोज़ कमाते रोज़ खाते हैं, इसलिए लॉकडाउन के अंदर में उनको थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही, तो मार्केट के अंदर में अपने अपने जो औसत चीज़ें हैं वो खरीदने के लिए बाहर निकले हैं। और जो है हमारा भी ऐसा कहना है कि अगर लॉकडाउन लगाए हैं सरकार ने दो दो दिन के लिए तो इसके अंदर में सरकार ने लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए। सिर्फ सरकार बीमारी तो हटना चाहिए यहाँ से और लोगों ने सहायता करना चाहिए, लेकिन सरकार का भी काम है कि लोगों को सहायता करना चाहिए। जैसे अभी कई दिनों से लोगों ने इलेक्ट्रिक के बिल पेड नहीं किए क्योंकि यहाँ पे लोगों का क्या बोलते हैं लॉकडाउन होने के कारण लोगों के पास में कमाई नहीं थी, रोजगार नहीं था और बिल दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, लोगों का घर में इलेक्ट्रिक कटते जा रही है और सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार सिर्फ लोगों से अपील करती है और लोगों से सहायता मांगती है, लोग सहायता करने के लिए तैयार है लेकिन लोगों की भी मजबूरी है, उसमें सरकार ने पूरा साथ देना चाहिए लोगों को भी। सर जिस तरह से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि लॉकडाउन लगाया गया है, दो दिन का लॉकडाउन नागपुर शहर नागपुर ग्रामीण, हम लोग खड़े हैं कामठी में, कामठी की बात की जाए तो हम लोग ने अत्यावश्यक चीज़ों को शुरू करने के लिए सरकार ने कहा, लेकिन मेरा सवाल फिर से एक बार होगा कि अत्यावश्यक चीज़ों में दारू की दुकान, जिस तरह से दारू की दुकान आपकी कामठी में शुरू है तो इस बारे में क्या कहेंगे? बहुत चले जाओ यार, चले सरकार की सोच उजागर होती है कि आप अति आवश्यक चीज़ों के लिए जो छूट दे रहे हो तो अति आवश्यक चीज़ में दारू कहाँ पे अति आवश्यक आ जाती है? इसका मतलब आप अपना फायदा नफा नुकसान देखकर ही लॉकडाउन लगा रहे हैं, नफा नुकसान देखकर ही आप ये छूट दे रहे हो कि किसे छूट देना किसी सरकार को अच्छे से मालूम है। दारू के लिए राजस्व मिलता है तो दारू को बंद नहीं कर सकते, इस वजह से वो लोग यानी नफा नुकसान देखकर ही लॉकडाउन लगाया जा रहा है। यहाँ पे कोई सरकार की नीयत साफ नहीं रही कि भाई ये इस पेंडेमिक से अपने को पार पाना है कुछ कार, अगर ऐसा रहता तो फिर दारू की दुकान भी बंद करना चाहिए। दो दिन के लिए दारू नहीं पिएगा आदमी तो उसको कुछ सेहत में फ़र्क नहीं पड़ रहा या राजस्व में बहुत भारी घाटा नहीं आ जा रहा, यानी सरकार एक तरफ अपना फायदा भी देख रही है दूसरे ये दिखावा भी कर रही है, तो ये दिखावा भी कर रही है, तो इसलिए फिर ये आम जन जो यहाँ अपनी सब्जी भाजी की दुकान लगा के बैठे रहते हैं वो तो ज़्यादा अति आवश्यक है ना, उनका तो पेट लगा हुआ है, दारू की दुकान से क्या पेट लगा है? तो सरकार जो है अपने हिसाब से इसको तोड़ मरोड़ कर रही है और इसमें सरकार ने एक बार सोचना चाहिए। लॉकडाउन की जिस तरह से भूमिका दिख रही है तो सुबह हमने देखा कि चिकन मटन मार्केट की दुकानें भी शुरू हुई थी, हमने पूछा कि जिस तरह से चिकन मार्केट की मटन मार्केट की दुकान वो भी आदेश मिला है ऐसा कुछ लोगों ने कहा, कुछ दुकानदारों ने कहा, तो किस तरह का लॉकडाउन का क्या मतलब होता है? हमें लॉकडाउन कहा है, दो दिन का लॉकडाउन कहा, तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए लॉकडाउन का अगर मतलब है
तो लॉकडाउन टोटली होता है। अति आवश्यक चीज में जो है आपका किराना ग्रोसरी वगैरह जो है, दवाई है, सब्जी भाजी, बस ये। ऐसा जरूरी नहीं आदमी रोज मटन मछली खाता है। मैंने अभी जो दारू के बारे में बोला वही चीज़, और मुझे तो ऐसा, अगर ये सरकार आदेश देती है कि आप मटन मछली की दुकान खोल लो तो ये गलत है। ये अतिआवश्यक सामग्री में नहीं आता है। अगर आप अतिआवश्यक सामग्री को छूट दे के लॉकडाउन कर रहे हो तो उसको पूरी तरह से फॉलो करना चाहिए। सरकार का यह होना चाहिए वो किस तरीके से इसको लॉकडाउन पर, इसमें अपना वो नफा नुकसान देखते हुए लॉकडाउन को फॉलो नहीं करना। बसंत भाव आपके पास आ रहा हूँ, सरकार में शिवसेना में आप कामती के प्रतिनिधि के तौर पर काम करते हैं, सरकार आपकी किस तरह का विचार करती है? एक तरफ रहती है दो दिन का लॉकडाउन, सब्जी भाजी दूध फल मार्केट चालू रहेगा, लेकिन दारू की दुकान क्या समय नहीं है आपकी सरकार और उत्पादन विभाग में? मैं शिवसेना भारतीय विद्यार्थी सेना की तरफ से महाराष्ट्र गवर्नमेंट को यही बताना चाहता हूँ कि जीवनावश्यक वस्तुएँ जितनी भी रहती है वो अपने घर में अपना उसका स्टोरेज करके रखता है, वो सब्जी भाजी रहो, किराना रहो, कुछ भी रहो। तो मैं अपने माध्यम से सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर लॉकडाउन करते हो तो आप सिर्फ सिवाय मेडिकल के या अस्पताल के अलावा अगर आपको लॉकडाउन करना ही है तो आप जन सामान्य जितनी दुकानें हैं उतनी दुकानें बंद करें, जिससे कि लोगों का आवागमन ना हो और आप कोरोना पे नियंत्रित भी कर सको। नहीं, दारू की दुकान की बात की, वो किस तरह से चालू है आप बताइए। दारू की दुकानें तो गवर्नमेंट ने खोलना ही नहीं चाहिए था। दारू की दुकानें ऐसा राजस्व बढ़ाने वाली बात है सबसे। आप तो कह रहे हैं कि लॉकडाउन मेन है, जनता के ख्यालों को पहले ध्यान दिया जाएगा, लेकिन जनता के ख्यालों को ध्यान देना, तो आपने अत्यावश्यक चीज़ों को चालू किया, लेकिन दारू की दुकानों को कहाँ अत्यावश्यक चीज़ में आती? दारू की दुकानों से तो हम निषेध करते हैं कि दारू की दुकानें चालू नहीं होना चाहिए, क्योंकि जन सामान्य आदमी जो रहता है, जन सामान्य आदमियों को आज सब्जी भाजी किराना ये वे वगैरह लगा रहता है, तो वो दुकानें चालू रहती है वहाँ तक, ठीक है। मैं अपने माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ कि सब्जी भाजी किराना ये सबके घर में लगा हुआ रहता है, पड़ा हुआ रहता है, अगर आप लॉकडाउन दो दिन का भी लगाते हो तो टोटल दुकानें बंद करो सिवाय मेडिकल के और ग्रामीण अस्पतालों के जो भी। दर्शकों, जिस तरह से मैं अभी फिलहाल कामती के इस मेन मार्केट में खड़ा हूँ, जहाँ पर गोयल टाकिस के सामने से हम लोग ने पूरा नज़ारा कामती का दिखाया, और नज़ारे के बाद में से विदर्भ टीवी के माध्यम से हम लोग ये दिखाना चाहते हैं कि लॉकडाउन जिस तरह से लगातार दो दिन का लॉकडाउन यहाँ पर सरकार ने घोषित किया, और कामती में जब हम लोग गए तो वहाँ पर सभी वाइन शॉप शुरू थी। अब सरकार ये बताए कि अत्यावश्यक चीज़ों में क्या क्या आता है, और आने वाले समय में अगर फिर से एक बार लॉकडाउन हो तो किस किस जरूरतमंद चीज़ों को सरकार चालू करेगी, या फिर से एक बार शनिवार रविवार को लॉकडाउन लगता है तो कौन कौन सी चीज़ों को शुरू करेगी, ये सारा नज़ारा हम लोग विदर्भ टीवी के माध्यम से कामती शहर से मैं सीधा विदर्भ टीवी के तमाम जनता को लेकर आ रहा हूँ। फिर से खबरों को लिए देखते रहिए विदर्भ टीवी, चैनल नंबर GTPL चैनल नंबर 278 पर विदर्भ टीवी हमेशा आपके लिए सदैव ठहरा रहा है। इसी तरह से खबरों को फिर से हम लोग आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के कैमरा पर्सन सुप्रीम सोनेकर के साथ मैं शैलेश ढोरे, विदर्भ टीवी कामठी।